नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशिका दुबे। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कृषि उपज मंडी पहुंचे, लाडली बहनों के आभार सह उपहार कार्यक्रम में हुए शामिल। भारी बारिश को लेकर मोहन सरकार का एक्शन, सीएम ने प्रशासन को अलर्ट रहने के दिए निर्देश, जनता से भी सावधान रहने की अपील की। प्रदेश की मोहन सरकार बनाएगी महिला बालिका सशक्तिकरण की नीति, जनता से मांगे जाएंगे सुझाव, नोडल अधिकारी किए गए नियुक्त, 10 साल के लिए बनाई जाएगी ये नीति। विकास के लिए एक बार फिर एमपी सरकार लेगी 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज, 2 किस्तों में लिया जाएगा लोन। 100 साल पूरे होने पर आरएसएस नहीं करेगा बड़ा आयोजन, इंदौर में चल रही संपर्क बैठक में हुआ फैसला, संघ ज्यादा से ज्यादा सामाजिक धार्मिक आयोजनों में सहभागिता बढ़ाने पर देगा जोर। 6 अगस्त को भोपाल के नाम दर्ज होगा एक नया रिकॉर्ड, 1 लाख से ज्यादा लगाए जाएंगे पेड़, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम का करेंगे नेतृत्व। 4 अगस्त को भोपाल में युवा कांग्रेस की बड़ी बैठक, जीतू पटवारी करेंगे बैठक की अध्यक्षता, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और युवा कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र सिंह यादव भी रहेंगे मौजूद। मैहर अल्प प्रवास पर पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मैहर विधायक ने किया स्वागत, स्वल्पाहार के बाद मैहर से सतना के लिए रवाना हुए नगरीय प्रशासन मंत्री। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे ग्वालियर, कहा आज आगरा एक्सप्रेसवे की होनी है शुरुआत, 2020-21 में आया था आइडिया, सिंधिया ने कांग्रेस पर भी जमकर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुरैना दौरा, त्रेता युगीन एंती गांव के शनिदेव मंदिर में की पूजा अर्चना, सिंधिया घराने के पंडितों ने कराई पूजा। नरसिंहपुर में कच्चे मकान के क्षतिग्रस्त होने की घटना पर विधायक राव उदय प्रताप सिंह ने जताया दुख, मलबे में दब गए थे 7 लोग, मौके पर 2 लोगों की हुई थी मौत। भिंड में एक सरकारी विभाग ने दूसरे सरकारी विभाग पर किया कब्जा, नगर पालिका परिषद ने अवैध रूप से अतिक्रमण करने का लगाया आरोप, रेन बसेरा पर जिला अस्पताल प्रबंधन ने किया कब्जा। रायसेन में खतरों के खिलाड़ी बन रहे युवा, वीडियो बनाने के लिए कुछ युवाओं ने 40 फीट ऊंचे पुल से लगाई छलांग, प्रशासन नहीं ले रहा कोई सुध। पांडुर्णा में 7 से 8 नकाबपोश बदमाशों ने एक घर में डाला डाका, 20 तोला ज्वेलरी पर किया हाथ साफ, पुलिस मामले की जांच में जुटी। माचागोरा डैम में नाव पलटने से हुआ बड़ा हादसा, मछली पकड़ने गए 2 दोस्त पानी के तेज बहाव में बहे, एक व्यक्ति को सुरक्षित निकाला गया बाहर, दूसरे का रेस्क्यू जारी। सख्ती में चोरी करने वाले 5 आरोपियों को उड़ीसा से किया गया गिरफ्तार, अलग अलग जिलों में दिया था चोरी की वारदातों को अंजाम, पुलिस ने मोटरसाइकिल समेत कई नकदी की बरामद। बलरामपुर बांध में बढ़ा रिसाव, मजदूर न मिलने पर अधिकारियों ने उठाया फावड़ा, डैम का पानी रोकने के लिए पानी में कूदे अधिकारी, बांध का 30% हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। बैतूल से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने, शराबी युवक को साली से शादी करने को किया गया मना, गुस्सा युवक ने अपने 7 माह के बच्चे को सीमेंट रोड पर पटक दिया, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बलरामपुर जिले में भारी बारिश से नदी नाले आए उफान पर, स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चे कर रहे उफनती नदी को पार, कभी भी हो सकती है अनहोनी, भुटराडीह गांव की तस्वीर है। रतलाम पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1 साल की मेहनत के बाद क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड की गुत्थी का पुलिस ने किया खुलासा, 44 लोगों के लाखों रुपए वापस आए भारत, आरोपियों की जल्द होगी गिरफ्तारी। सिंगरौली में 24 घंटे बाद शुरू हुआ आवागमन, पोतरी नदी की पुलिया क्षतिग्रस्त होने से बाधित हुई थी आवाजाही, 2 दिन से बंद है कई शासकीय विद्यालय। यूपी की गैंग रीवा में कर रही थी एटीएम फ्रॉड, सरगना पर 2 दर्जन से ज्यादा मामले थे दर्ज, 2 लाख रुपए नकदी, एटीएम कार्ड, मोबाइल समेत बाइक हुई बरामद। मध्य प्रदेश में अब कमजोर विद्यार्थियों के लिए बनेंगे सुपर सेक्शन, परीक्षा परिणाम में सुधार के लिए शिक्षा विभाग की नई पहल, 2,500 सरकारी स्कूलों के 11,000 छात्रों का होगा मूल्यांकन। भोपाल जिले के अंचल फंदा और बैरसिया गांव के स्कूलों में छुट्टी की गई घोषित, 180 से ज्यादा स्कूलों में छुट्टी का किया गया ऐलान, जलभराव को देखते हुए लिया ये फैसला।
मध्य प्रदेश के 40 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 5 अगस्त तक जारी रहेगा बारिश का दौर। देवास में रावतपुरा सरकार ने चतुर्मास अनुष्ठान कार्यक्रम का किया आयोजन। विधायक राजेश सोनकर ने अनुष्ठान कार्यक्रम में की शिरकत, संत शिरोमणि गुरुदेव का लिया आशीर्वाद। इंदौर में सिटी बसों का बढ़ेगा किराया। AICTSL के तहत चलने वाली बसों के किराए में होगा इजाफा। साल 2020 के बाद किराए में हो रही बढ़ोतरी। भोपाल टू रीवा के लिए शुरू हुई नई ट्रेन। रीवा सांसद ने नई ट्रेन का किया स्वागत। हफ्ते में शुक्रवार और रविवार को होगा ट्रेन का संचालन। रायसेन में पिछले 48 घंटे में हो रही जमकर बारिश। बांधों के गेट खोले जाने के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे बने हालात। कई गांव का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। पन्ना टाइगर रिजर्व से खूबसूरत तस्वीर आई सामने। बारिश की बेरुखी के बीच 3 बाघों का एक साथ दिखा झुंड, पानी में अटखेलियां करते आए नजर। एमपी के स्वास्थ्य मंत्रालय की नई पहल, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के जरिए बच्चों को दिया जाएगा मुफ्त इलाज। योजना में निजी अस्पतालों में इलाज का खर्च उठाती है सरकार। बड़वाह में आने वाले त्योहारों को लेकर प्रशासन ने बुलाई शांति समिति की बैठक। भगवान नागेश्वर की पालकी यात्रा को लेकर भी हुई चर्चा। यात्रा के रूट समेत कई व्यवस्थाओं पर बनी बात। मुरैना में संदिग्ध हालत में हुई शिक्षक की मौत। परिजनों ने मृतक की पत्नी पर लगाया हत्या का आरोप। परिजनों ने एएसपी को पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कराने की रखी मांग। डिंडौरी में भारी बारिश से नदियों का बढ़ा जलस्तर। बाढ़ से उफना रहे पुल को पार कर रहे लोग। आवागमन पूरी तरह से हो रहा प्रभावित। प्रशासन की अपील के बाद ग्रामीण मानने को तैयार नहीं। मुरैना में शिक्षा अधिकारी की दिखी लापरवाही। दीमक ने हजम किया बोर्ड परीक्षा का रिकॉर्ड। बाबू ने अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप। छात्रों के रिकॉर्ड पर किसी का ध्यान नहीं। बिलासपुर में ईओडब्ल्यू और एसीबी टीम ने मारा छापा। जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू के घर में ईओडब्ल्यू ने दी दबिश। तबादले के नाम पर पैसे लेने का लगाया आरोप। आज फिर से मंत्रियों के साथ स्टील उद्योग संघ की होगी बैठक। डिप्टी सीएम विजय शर्मा, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन बैठक में रहेंगे मौजूद। कई बार हुई बैठकों में अब तक नहीं निकला कोई नतीजा। बिजली दरों में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं कारोबारी। हरेली तिहार पर मुख्यमंत्री निवास में दिखेगी धूम। परंपरागत तरीके से सजाया जाएगा मुख्यमंत्री निवास। सीएम विष्णुदेव साय समेत मंत्रिमंडल के सदस्य करेंगे पूजा अर्चना। लोक गीतों का भी होगा आयोजन। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के सरकारी आवास में मनाई जाएगी हरेली त्योहार। भूपेश बघेल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किया आमंत्रित। पारंपरिक अंदाज में समर्थकों के साथ मनाएंगे हरेली पर्व। रेलवे ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 72 ट्रेनों को किया रद्द। ट्रेनों का परिचालन बहाल करने के लिए कांग्रेस रेल मंत्री के नाम से सौंपेगी ज्ञापन। कांग्रेस कमेटी ने सभी जिलाध्यक्षों को दिए निर्देश। सूरजपुर में मूसलाधार बारिश से वेनिका हाइड्रो पावर प्लांट के डैम में बड़ा जलस्तर। तकनीकी कारणों से नहीं खुल पा रहा डैम का गेट। भारी दबाव से डैम पर मंडरा रहा बड़ा खतरा। सुबह से ही छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर लगातार जारी। कई हिस्सों में रेड अलर्ट हुआ जारी। 12 घंटे के भीतर भारी बारिश की चेतावनी। रायपुर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर बनी जलभराव की स्थिति। सड़कें हुई सैलाब में तब्दील, आमजन जीवन हुआ प्रभावित। दुर्ग में दिल्ली पब्लिक स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सैकड़ों पेरेंट्स ने किया जमकर प्रदर्शन। स्कूल का घेराव करके जमकर नारेबाजी। पेरेंट्स ने पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा सहित कुछ अन्य मुद्दों को लेकर किया प्रदर्शन। इस दौरान एएसपी सुखनंदन राठौर पुलिस बल के साथ रहे मौजूद। सूरजपुर में कर्मचारी संघ की हुई बैठक। सूरजपुर जिले के लिए इकबाल अंसारी को जिलाध्यक्ष किया गया नियुक्त। बैठक में विसंगतियों के निराकरण को लेकर हुई चर्चा। संगठन की मजबूती को लेकर भी हुई बात। बिलासपुर में पानी में बैक्टीरिया मिलने का मामला आया सामने। पानी वाले बैक्टीरिया के चलते लोग हो रहे डायरिया का शिकार। पीएचई विभाग की जांच रिपोर्ट में हुई पुष्टि। खुले मैदान में फेंका जा रहा शासकीय सिरप। भाटापारा शहर में कूड़े में फेंक दी गई एक्सपायरी सिरप। एक्सपायरी सिरप को खा रहे मवेशी। जांजगीर में कार और बाइक को टक्कर मारने वाले ट्रैफिक आरक्षक हुआ सस्पेंड।
नशे की हालत में बाइक चला रहा था ट्रैफिक आरक्षक। गरियाबंद शासकीय प्राथमिक शाला के फ्लोराइड रिमूवल प्लांट में लग रहा करंट, चार बच्चों को लगा करंट का झटका, विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण हुई ये घटना। सड़क के अभाव में नहीं मिल रही एम्बुलेंस, खाट में ढोकर पीड़ित को अस्पताल ले गए ग्रामीण, वक्त पर इलाज न मिलने से हुई मौत, शाहपुर के चरुंडा गांव का पूरा मामला। रायपुर में बारिश का दौर जारी, शहर के कई इलाकों में भरा पानी, लोगों को आवाजाही में हो रही दिक्कत। दुर्ग में बारिश का दौर जारी, लगातार हो रही बारिश से अलग अलग इलाकों में जलभराव, सुपेला के प्रियदर्शनी नगर के लिए बनाया गया रेलवे अंडरब्रिज पूरी तरह से डूब गया। कोरिया में सड़कों में बह रहा पानी, तीन दिनों से राहगीरों को झेलनी पड़ रही है मुसीबत, जिम्मेदारों ने अभी तक नहीं लिया कोई एक्शन। महासमुंद में देर रात हाथी ने कोना गांव की बस्ती में मचाया उत्पात, घर की दीवार को गिराकर खाया दो बोरा धान, हाथी के उत्पात से लोगों में दहशत का माहौल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बयान, वायनाड के लिए मदद भेजेगी पीसीसी, पूरी कांग्रेस पार्टी करेगी आर्थिक मदद, किरंदुल के लिए भी भेजी जाएगी सहायता। राजधानी रायपुर में हर तरफ बनी जलभराव की स्थिति, सड़कों पर 4 फुट तक भरा पानी, लोगों को भारी परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। अंबिकापुर में शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल, शौचालय में चल रही प्राथमिक पाठशाला, जिम्मेदार अफसर बने अनजान। रायपुर एम्स में छाया भारी बारिश का कहर, सड़कों से लेकर पार्किंग तक भरा पानी, कई इलाकों में जल जमाव की बनी स्थिति, मरीजों को आने जाने में हो रही दिक्कत। मनिंद्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दिखी लापरवाही, कई दिनों से पुरुष वार्ड के शौचालय में लगा हुआ है ताला, मरीजों को हो रही परेशानी, सीएमएचओ पर भी गलत तरीके से पदस्थ होने का लगाया आरोप। दुर्ग में स्थिति चंद्रा मौर्य अंडरब्रिज पर जमा हुआ पानी, इस अंडरब्रिज से टाउनशिप और पीला क्षेत्र में रहने वाले लोग करते हैं आना जाना, पानी भरने से आवाजाही हुई बाधित। कानपुर में स्कूल बंक कर कार से निकले दो नाबालिग लड़के और दो लड़कियों ने स्टंट करते समय स्कूटी में मारी टक्कर, मां की मौत हो गई और बेटी घायल। राजधानी रायपुर में लगातार तेज बारिश से लोग बेहाल, महोबा बाजार गुढ़ियारी रोड पर भरा पानी, यातायात भी हुआ प्रभावित, लोगों को खास परेशानी का करना पड़ रहा सामना। सीएम हाउस में हरेली त्योहार मनाने पर कांग्रेस का बयान, देर से और कांग्रेस की नकल करने के उद्देश्य से ही सही, बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार को प्रमोट करने के लिए मजबूर हुई। भिलाई के शकुंतला अपार्टमेंट में चौथे फ्लोर से लिफ्ट अचानक भरभरा कर गिरी, लिफ्ट गिरने से चार लोग हुए घायल, हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। डिंडौरी में तेज बारिश के कारण जगह जगह हुआ मिट्टी का कटाव, नहर में आया बाढ़ का पानी, किसानों के खेती में भरा मलबा, फसलें हुई पूरी तरह से बर्बाद। छतरपुर में बन रहे हैं बाढ़ के जैसे हालात, बांसुजारा डैम से छोड़ा गया पानी, उफान लेती नदी में लोग अभी भी मछली पकड़ते आ रहे नजर, मामले को लेकर प्रशासन बेखबर। छतरपुर में जुआ खेलने का लाइव वीडियो आया सामने, पुलिस और जुआरी की बताई जा रही मिली भगत, सट्टे के बाजार में एमपी के ही नहीं बल्कि यूपी से भी जुआ खेलने आते हैं लोग। देवास में सड़क की बदहाली से लोग परेशान, शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समस्या का समाधान, विधायक सांसदों के कई बार आश्वासन देने के बावजूद स्थिति तस से मस नहीं हुई। भोपाल में 5.5 लाख की लूट करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार, फरियादी के दोस्त के साथ 3 और साथियों को किया गया गिरफ्तार, बीते शुक्रवार को कीलन देव टावर के पास हुई थी लूट। धमतरी में गंगरेल बांध के खुले गेट, कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही है बारिश, महानदी में छोड़ा जा रहा पानी, आसपास के इलाकों में किया गया अलर्ट जारी। छिंदवाड़ा में कपास कारोबारी के घर में हुई लाखों की डकैती, चड्डी बनियान गैंग ने दिया वारदात को अंजाम, दंपति को बंधक बनाकर लाखों के जेवरात और नकदी पर किया हाथ साफ। मुरैना के जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार, शौचालय में लगा गंदगी का ढेर, कूड़े की बदबू से लोग परेशान, मरीज परेशान, जिम्मेदार नहीं उठा रहे कोई ठोस कदम। रीवा में त्योथर पहाड़ी नदी में अचानक आई बाढ़, महिला समेत 12 लोग टापू पर फंसे,
सात घंटे के रेस्क्यू के बाद एसडीआरएफ की टीम ने बचाई सबकी जान। सागर में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया श्रम निरीक्षक, 60,000 रुपए की मांगी थी रिश्वत, लोकायुक्त टीम ने की कार्रवाई। दंतेवाड़ा में बारिश के चलते नदी नाले आए उफान पर, ऐसे में ग्रामीण बर्तन की नाव बनाकर कर रहे हैं नदी पार, अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे लोग, अगर ग्रामीण बहे तो बचने की कोई उम्मीद नहीं। राजधानी रायपुर में नहीं थम रही चाकूबाजी की घटनाएं, जेल से छूटे हिस्ट्री शीटर ने युवक पर किया ब्लेड से हमला, बाइक सवार हिस्ट्री शीटर ने पैदल जा रहे युवक पर किया हमला, मौके पर पहुंची टिकरापारा की पुलिस। गरियाबंद में निर्माणाधीन पुल के जरिए आवाजाही में हो रही दिक्कत, गांव के सरपंच ने खोला मोर्चा, मौजूदा क्षतिग्रस्त रपटा से आवाजाही होने से लोग कई हादसों को दे रहे न्योता। खरगोन के कुमारखेड़ा गांव में बदहाल सड़क से ग्रामीण हुए परेशान, स्कूल जाते वक्त बच्चों को होती है परेशानी, गांव की बेटियों ने मामा शिवराज और सीएम मोहन यादव को पत्र लिखकर लगाई सड़क निर्माण करने की गुहार। रायगढ़ में शहर में छाया डेंगू का कहर, लगातार बढ़ रही डेंगू के मरीजों की संख्या, रोजाना 10 से 15 मरीज मिल रहे पॉजिटिव, पिछले जुलाई महीने में आए करीब 180 से ज्यादा पॉजिटिव केस, प्रशासन के लिए बढ़ते रोजाना मरीजों की संख्या चिंता का विषय बने। जांजगीर चांपा में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने की कार्रवाई, सड़क किनारे दुकान लगाने वालों का सामान किया गया जब्त, कार्रवाई के दौरान व्यापारियों और पुलिस के बीच हुई बहस। जांजगीर चांपा के जरवे गांव में कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण, आयुष्मान कार्ड बनाने के काम की धीमी गति को लेकर जाहिर की नाराजगी, स्वस्थ जांजगीर चांपा अभियान में बेहतर कार्य करने के दिए निर्देश। रायसेन में लगातार 36 घंटों से बारिश का कहर जारी, बारिश के कहर से तेजी से बढ़ा डैम का जलस्तर, एक सप्ताह में दूसरी बार बाड़ी बरना बांध के खोले गए गेट, अब तक बारना बांध के खोले गए हैं 6 गेट। बलरामपुर में जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड की दिख रही लापरवाही, लोगों की समय पर नहीं हो रही जांच, सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पैसों की जा रही डिमांड। सुकमा जिले में 5 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, जिसमें 3 महिला नक्सली सहित 2 पुरुष नक्सली हैं शामिल, सभी आत्मसमर्पित नक्सली थाना चितनलार क्षेत्र के हैं निवासी। नरसिंहपुर में भारी बारिश से एक मकान ढह गया, मलबे में दबे 7 लोग, 2 लोगों की हुई मौत, अस्पताल में घायलों का चल रहा इलाज। जशपुर में सीएम कैंप कार्यालय बना लोगों की आशा का केंद्र, सीएम जनदर्शन में दिव्यांग जनों को मिली ट्राई साइकिल और श्रावण यंत्र, लोगों ने सीएम विष्णुदेव साय का जताया आभार। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए शुभांशु, इसरो ने प्रशांत नायर बैकअप के लिए चुना, दोनों की इसी महीने से शुरू होगी ट्रेनिंग। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस होंगी राष्ट्रपति की उम्मीदवार, मेजॉरिटी डेलीगेट्स का मिला सपोर्ट, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली अश्वेत महिला बनी। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद तुर्की का बड़ा एक्शन, सोशल साइट इंस्टाग्राम को किया बैन, इंस्टाग्राम पर हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत पर मच रहा था भारी बवाल। बिग बॉस ओटीटी 3 की विनर बनी सना मकबूल, ट्रॉफी के साथ 25 लाख रुपए की अपने नाम, फर्स्ट रनर अप रहे रैपर नेजी दब्बा। बिग बॉस ओटीटी 3 के दूसरे रनर अप रहे रणवीर शौरी, सना मकबूल को विनर के लिए नहीं बताया डिजर्विंग कंटेस्टेंट, कहा सना से कहीं ज्यादा और कंटेस्टेंट थे विनर के हकदार। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने रच दिया इतिहास, ओलंपिक्स में मैन सिंगल के सेमीफाइनल में बनाई अपनी जगह, ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय खिलाड़ी। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराया, इतिहास में भारत ने 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को हराया है, ऑस्ट्रेलिया पर आखिरी जीत 1972 में मिली थी।